दो जगह है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, और दोनों जगह सुबह से मतदान चल रहा है। और हमने कल भी कहा था, आज फिर दोहराते हैं कि दोनों सीटों से हम जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी बड़ा होगा। हर जात के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों का वोट हम लोगों को मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन पर बटन कुशेश्वर स्थान की जनता और तारापुर की जनता दबा रही है। मौजूदा सरकार से, जो चोर दरवाजे से आई हुई जो सरकार है, उससे लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और जो भी इन लोगों ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया। बेरोजगारी चरम सीमा पर, पलायन चरम सीमा पर, अपराध चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, किसानों और महान जनता की तकलीफें चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अफसरशाही चरम सीमा पर लोग जो है तबाह हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। और जो हम लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है लगातार, हम लोगों ने पहले भी कल भी कहा था कि हम लोग एकदम सावधान हैं, किसी भी रूप में बेईमानी नहीं होने देते। हालांकि जहां भी छिटपुट प्रयास किया जा रहा है तो सारी बातें हम बताना नहीं चाहते, हम इलेक्शन कमीशन को सूचित कर दे रहे हैं। हमारे दल के लोगों की जो टीम बनी है, जहां से कहीं कुछ गड़बड़ी छोटी मोटी मिलती है तो लगातार हम लोग इलेक्शन कमीशन के टच में हैं। इलेक्शन कमीशन को सारी सूचनाएं हम लोग जो है कौन से पंचायत में, कौन से बूथ पे, या क्या तंग जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, तो वो सारी सूचनाएं जो है लगातार कंटिन्यूसली हम लोग इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। और हम लोगों ने कई बार कल भी बताया था कि क्या क्या किस स्तर पे चुनाव जीतने के लिए नीतीश जी प्रशासन का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, मंत्रियों का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, धन बल सब लगा दिया हो, सब कुछ झोंक दिए, शराब की खबरें हो, साड़ियों की खबरें हो, पैसा बांटने की खबरें हो, सभी लोग को ने इसको देखा है, वीडियो लगातार, ऑडियो वीडियो, पीडीएस डीलर को कैसे तंग किया जा रहा है मंत्री द्वारा, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसके बावजूद भी कुशेश्वर स्थान की जनता और तारापुर की जनता भ्रमित नहीं हुई, मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान ही नहीं बल्कि हवा चल रहा, आंधी चल रहा है। और खुशी की बात है, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो आ रही है लालू जी के सभा में, हम लोगों के सभा में, आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से महिला बड़ी संख्या में जो है जुटित हो जाए। तो हम सब लोगों का पूरा विश्वास है कि दोनों जगह की जनता का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को, प्रत्याशी को मिलेगा। और कोई सवाल अगर होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कई जगह गड़बड़ी की बात आप कह रहे हैं, क्या बड़ी गड़बड़ी की गई है, किया गया तो बड़ी बात इस तरह के सामने तो सब कुछ तो सामने ला ही दिया गया है, जो छोटी मोटी चीजें हैं अब हर बात क्या क्या बताया जाए। तेजस्वी जी, चुनाव से अलग एक सवाल है, आनंद मोहन जी जेल में अनशन पर बैठे हुए हैं, पूर्व सांसद। प्रशासन जो है किसी भी हद तक जा सकता है, जाहिर सी बात है बिहार सरकार उनके नियंत्रण में है, बिहार पुलिस जेल प्रशासन उनके नियंत्रण में है। और नीतीश जी कुछ साल पहले एक सभा हुई थी बगल के मिलर हाई स्कूल में, तो नीतीश कुमार जी ने बोला था हमारे मित्र हैं, हमारे साथी रहे हैं, उनके लिए हर एक संभव मदद
करने का वो प्रयास करेंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा। अपने साथी सहयोगी चुनाव का जब हार रहे हैं, डर रहा है, डर लगा हुआ है, तो आनंद मोहन जी जेल में, हालांकि सजा उनकी पूरी हो गई है, फिर भी जो है उनको छोड़ा नहीं जा रहा। और लगातार जो है उनके ऊपर जुर्म ढाए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। चेतन जी उन्हीं के पुत्र हैं, शिवहर से चुनाव जीते हैं, जनता का आशीर्वाद मिला है और रेड मारा गया, यानी डराने के धमकाने के। अरे भाई आप किस पे सवाल उठा रहे हैं? जेल में मोबाइल आएगा तो कौन दोषी है? अगर आया हो तो ये तो पूरी तरीके से प्लांटेड था ये रेट। हेलमेट पहन पहन करके लोग जो है 20 से 30 संख्या में लोग अंदर घुसे। अगर आता भी है मोबाइल तो प्रशासन की जिम्मेवारी कैसे? आप अपने ही सरकार पे जो है प्रश्न उठाते हैं। और लगातार ये चुनाव को देखते हुए ये रेड हुआ है। वो तो नीतीश जी की फितरत है कि चुनाव जीतने के लिए साड़ी भी बंटवाएंगे, पैसे भी बंटवाएंगे, शराब भी बंटवाएंगे, प्रशासन का दुरुपयोग भी करेंगे। और अभी हमको सूचना मिली है आनंद मोहन जी क्या तो रेड पड़ा जबरदस्ती का, वो अनशन पे बैठे हुए। और दूसरी तरफ हमको सूचना ये मिल रही है कुशेश्वर स्थान में कि गरीब मतदाताएं हैं या हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके घर में जो है पुलिस को भेजा जा रहा है। यानी एक तरह से भय का वातावरण जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोई बात नहीं, जनता जो है लड़ाई के मूड में है और हमने पहले ही कहा था ये जनता बनाम सरकार की लड़ाई हो गई है। और ये लड़ाई जो है लालटेन और तीर की नहीं रही, ये जनता बनाम सरकार के बीच है। और इस का परिणाम होगा इस चुनाव का कि जनता की जीत होगी। सर आपने बेरोजगारी रैली की बात की, एक दिन पहले एनसीआरबी का डाटा आया है, प्रतिदिन 42 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, साल भर का आंकड़ा 15,000। सरकार इस पे नजर नहीं दे रही है, रोड की यात्रा पर प्रधानमंत्री जी एनसीआरबी का तो क्राइम से रिलेटेड होता है। आप अगर देखें बेरोजगारी दर जो है, पिछले बार भी हम लोग जो बोले थे कि लगभग जो है बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना, करोड़ों लोगों का रोजगार जो है वो छूट गया, जिनको रोजगार भी था। और हमने ये भी बोला बिहार की जनता भी मुख्यमंत्री से मांग करते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है। हम लोग लगातार जो है बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में हमने कहा कि गांधी मैदान में 1 जनवरी 2 फरवरी के मार्च महीने में जब छठ पूजा वगैरह संपन्न हो जाएगा उसके बाद हम पार्टी के लोग बैठेंगे और डेट जो है तय करेंगे। और गांधी मैदान में एक बड़ा रैला बेरोजगारी को लेकर के हम बुलाने का काम। भगदड़ वाला बयान आया है, भगदड़ वाले बयान को लेकर काफी गर्माहट बनी हुई है। और भगदड़ का बयान सामने आता है और उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता मुलाकात करते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से। शिष्टाचार मुलाकात है भाई, किडनी का आरके सिन्हा जी ऑपरेशन कराए, जो समस्या लालू जी को रही है वही समस्या हो रही है। दोनों लोग तो जेपी आंदोलन के टाइम पे ये भगदड़ का बयान क्या है तेजस्वी? और जो लोग मिले हैं मीडिया के सामने मिले हैं, कई अखबार के संपादक रिपोर्टर साथ बैठे हुए हैं बड़ी संख्या में। ये भगदड़ का गणित क्या है? कहा कि नीतीश जी शराब बंटवा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, क्या सही है ना? और दे तो क्या, नीतीश जी ने तो शराबबंदी की है। आपका न्यूज चैनल कभी दिखाया है कि शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप ही के चैनल में हम कई बार देखे कि भाई सब जनता ही कह रही है क्या होम डिलीवरी हो रहा। अगर आपकी पार्टी दोनों से जीत जाती है तो क्या आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की? क्या आप सरकार बनाने की कोशिश करेंगे?
कभी गठबंधन की सरकार है तो उसको इधर से इधर भी आ सकते हैं। केस साहब भी कह रहे हैं कि लालू जी बुलाएंगे तो मिल जाएंगे। अच्छा स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज करने की चीज मुकेश सहनी इस तरह से कह रहे हैं कि मिलने तो मिलाएंगे तो मिलने जाएंगे उनसे। ज्यादा चर्चा है मीडिया में भी, क्या ये जो जिस तरह से आपने दमखम लगाया है बाकुर में, तो क्या नेक्स्ट अगर दोनों सीटें आती है चुनाव तो दम से ही लड़ेंगे कि लुंच पुल लड़ेंगे। हम तो बड़े मजबूती के साथ भाई कुशेश्वर स्थान में लगातार हमारे सहयोगी लड़ते रहे। इस बार लगा कि नहीं काम नहीं चलेगा, हमको बीजेपी को हराना है और जेडीयू के कैंडिडेट को हराना है। और लोगों की मांग थी, डिमांड था कि वहां से लालटेन चाहिए, तो जो लोगों की मांग रही उसका हम लोगों ने दिया और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और कोई भी अगर बाई इलेक्शन का आप रिजल्ट देखे हुए तो पक्ष जो है रिकॉर्ड जो हम लोगों का है ज्यादा बेहतर रहा। और देखिए ना हार गए तभी ना मंत्री से लेकर संतरी सब लोग को काम कराए हुए वहां। सर खाद लेने के लाइन में कई किसानों की कल जान चली गई पर जिसकी जो किसान को जो रौंदा गया उसके साथ अमित शाह जी कल लखनऊ में रैली भी किए हैं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, ये क्या दर्शाता है, इसको क्या शब्द दीजिएगा। ये गरीबों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है। विश्वास के साथ भरोसे के साथ ना बैठाया था भाजपा के लोगों को, इसलिए वोट दिया था कि किसानों को कुछ लो, इसलिए वोट दिया था कि महंगाई करो, बेरोजगारी करो, अर्थव्यवस्था चौपट करो, पड़ोसियों से रिश्ता बिगाड़ो, देश के संपत्ति को बेचो, इसलिए समझौता किया था क्या, वोट दिया था। क्या हुआ नोटबंदी भाई, सारा काला मनी निकल जाएगा, चिप लगा हम नोट मिलेगा, चिप लगा ट्रैक करते सारे जो लोग हैं, जितना लोग देश के खजाने को लूटता है सबको पकड़ेंगे, उसके बाद से आंकड़ा निकालें कितने बड़े बड़े लोग जो हैं भाग गए हैं, कौन भगाया है, कौन सहयोग किया है। जीएसटी से फायदा हो रहा है छोटे मोटे व्यवसायियों को, रात में दिवाली जैसा उद्घाटन किया गया था, स्कीम का लागू किया गया था। आप बताइए कौन सा स्कीम इश्यू है, उज्ज्वला कह रहे हैं आप, सिलेंडर गैस कौन खरीदेगा 1100 रुपए में, कहां से भरवाएगा, महंगाई इतनी ज्यादा है, तो वोट किस लिए दिया गया। और यूपी का तो अलग ही है मामला, मुख्यमंत्री ही उसी प्रगति के हैं, अब क्या उम्मीद कर सकते हैं वहां से। और तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, जिनके साथ भी रैली हो रही होगी है ना, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, जिनके रैली में वो शामिल हुए हैं या साथ में कर रहे, नाम नहीं लेना, बैकग्राउंड क्या है। मुकेश सहनी ने इस तरह से बयान दिया कि लालू जी बुलाएंगे तो मिलने जाएंगे, मैं चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। हम तो देखे नहीं है उनका बयान, उनका बयान भी हमको समझ में नहीं है, हमको लगता है उनको खुद का भी नहीं समझ में आता, पहले खुद समझ ले फिर दूसरों को समझ। एक लास्ट सवाल ये सर कि बिहार में प्रजनन मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है जो राष्ट्रीय औसत से कम है, तो क्या तेजस्वी जी सब मुद्दे को छोड़कर सिर्फ चुनाव पे ही ध्यान दे, क्या आप सर इस मुद्दों को छोड़े सिर्फ चुनाव के मुद्दे, जो प्रजनन मृत्यु दर है बिहार में लगातार बढ़ रही है, प्रति जीवन में बात कर रहे हैं, ये सब चीजें को लगकर छोड़ कर लग रहे थे जिसमें जिसे चुनाव पे ही ध्यान दे सकते। चुनाव में हम क्या बोल रहे हैं सर वहाँ पे, अरे जनता ही की बात न कर रहे, ये सब तकलीफें क्यों हो रही है मौजूदा सरकार को, तुम मतलब बैठाए रखे जिससे हमको तकलीफ हो रही है, जनता को तकलीफ हो रही है, तो हम उसको क्या बैठाए रखे, उसको हटाए कैसे, चुनाव से ना तभी ना तकलीफ दूर होगी। ठीक है।